हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम आपके सामने एक ऐसा प्लांट लेकर आए हैं जिस प्लांट का नाम सदाबहार है। इसे मेडागास्कर पेरीविंकल भी बोलते हैं इंग्लिश में। फ्रेंड्स, जैसा कि इस प्लांट का नाम सदाबहार है तो इसकी खूबियां भी जो हैं बिल्कुल सदाबहार की तरह हैं। ये गर्मी में, बारिश में और ठंडियों में, तीनों मौसम में अच्छी तरह से ग्रो करता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सभी मौसम में पूरे 12 महीने इसमें जो है फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप नाम ही से समझ रहे हैं कि इस प्लांट का नाम सदाबहार है, तो इसकी जो खूबियां भी हैं बिल्कुल सदाबहार की तरह हैं। आप इसमें पानी डालना भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें खाद डालना भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम सदाबहार होने की वजह से ये बहुत ही केयर फ्री प्लांट है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी बिजी होता है, लेकिन वो प्लांट के शौकीन होते हैं, तो ये प्लांट उन्हीं लोगों के लिए है। सबसे अच्छी खूबी इसमें यही है कि ये इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। और इस प्लांट में कई सारे कलर आते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास लगभग इसके 4-5 प्लांट है। फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास एक व्हाइट कलर का फूल है, इसके फूल बहुत ही प्यारे आते हैं। ये हमारे पास व्हाइट कलर का सदाबहार का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी प्लांट है, हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं कितना खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है। ये हमारे सामने जो प्लांट है ये लाइट पिंक कलर के इसमें फूल आते हैं, पूरे 12 महीने इसमें फूल आते रहते हैं। आप देख सकते हैं इसके फ्लावर जो है कितने प्यारे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी हम पूरी कंप्लीट केयर बता देते हैं, पूरी टिप्स बता देते हैं। इसको कैसे ग्रो करना है, इसको कैसे फर्टिलाइजर देना है, इसको पानी कितना देना है, इसको सॉइल कैसी पसंद है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम सारी जानकारी दें, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम आगे इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दे रहे हैं। फ्रेंड, जहाँ तक कीमत की बात है, ये आपको बड़े आसानी से 20-25 से 30 रुपए में मिल जाएगा। आपको किसी भी नर्सरी में आपको ये आराम से मिल जाएगा, 25 से 30 रुपए मैक्सिमम इसकी प्राइस होती है। तो फ्रेंड्स, इसके सबसे पहले ग्रो करने का समय बता देते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको जो है पॉटिंग मिक्स इसका कैसा होना चाहिए हम आपको बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका पॉटिंग मिक्स में आप इसमें 60% लगभग गार्डन सॉइल लीजिए, 20% इसमें गोबर की खाद का कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें 20% जो है रिवर सैंड मिला लीजिए, क्योंकि इसमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी मिला सकते हैं। इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करने के बाद इसको ऐसे पॉट में लगाना जिसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो, इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। बाकी इस प्लांट ये प्लांट जो होता है हर तरह की मिट्टी जो है में एडजस्ट हो जाता है। इसमें पॉटिंग मिक्स का ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए जो मैंने बताया आप वो तरीका यूज करिए तो आपका जो है प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होगी। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने क्या लगा रखा है इस पॉटिंग मिक्स में। फ्रेंड्स, जहाँ तक इसके पॉटिंग मिक्स की हमने बताया कि इसको जो है सैंडी सॉइल बहुत पसंद होती है, इसमें पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। ये बाकी आपको मैंने हम बता दे रहे हैं कि इस प्लांट को जो है किसी भी तरह की सॉइल में जो आसानी से ग्रो कर सकता है। तो आप पॉटिंग सॉइल मिक्स पर ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि ये हर तरह की मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको जहाँ तक पानी की बात है, फ्रेंड्स इसमें जो है हल्का से मॉइस्ट बना के रखें, बाकी ये बिल्कुल से सूखी कंडीशन में भी आसानी से ग्रो रहता है, जिंदा रहता है, प्लांट मरता नहीं है। लेकिन अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो इसकी जो है आप जो मिट्टी है थोड़ा से हल्का से मॉइस्ट करके रखिए, नम बना के रखिए। बाकी इसमें जो है पानी नहीं रुकना चाहिए, इतना पानी दीजिए जब आपको मिट्टी ऊपर सूखी प्रतीत हो तो आप इसमें पानी डाल दें। फ्रेंड, जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात है तो मैं तो इसमें हमेशा गोबर की खाद को लिक्विड के रूप में देता हूँ। कभी कभी महीने दो महीने में 1-2 दाने जो है 3 दाने इसमें DAP के अगल बगल दूर जो है दबा देता हूँ, रख देता हूँ।
और फ्रेंड्स जहाँ तक इसकी धूप की बात है, तो इसको जो है फ्रेंड्स आप धूप में हल्की शेड वाली जगह में दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ब्राइट लाइट में भी आसानी से ये ग्रो करता है, जहाँ पे मॉर्निंग की एक दो घंटे की सनलाइट आए वहाँ पे भी आसानी से ये ग्रो कर जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा इस प्लांट को जो है आप जो है इंडोर ना रखिएगा, क्योंकि इंडोर में इसमें जो फ्लावरिंग है वो अच्छी नहीं होगी। बाकी प्लांट तो सर्वाइव कर जाएगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर फ्लावरिंग अगर आप अच्छी चाहते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, तो आप इसे हमेशा अगर धूप में रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। जहाँ तक इसकी प्रूनिंग की बात है, तो जब इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाए तो तब आप इसको प्रून कर सकते हैं। अगर प्रून करेंगे तो ये पास से ज़्यादा बुशी होगा और इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। जब आपको लगे कि टहनियाँ, जैसे इसकी ये टहनी देखिए आप लंबी दिख रही है और इसमें एक ही फ्लावर आ रहा है, तो हम इसको जो है पास से कट कर देंगे। जैसे हमने इसको कट कर दिया, ये भी एक लंबा जा रहा है, इसको भी हम कट कर देंगे। प्रूनिंग करने से ये प्लांट जो है पास से जो है इसमें फ्लावरिंग फिर ज़्यादा होती है और पास से जो है बुशी बनता है, नहीं तो ज़्यादा हाइट ज़्यादा इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो इसमें फ्लावरिंग जो है कम हो जाती है फ्रेंड्स। इस प्लांट में फ्लावरिंग की खूबियों के अलावा भी कई खूबियां हैं, जैसे कि इसका मेडिसिन यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। बाल झड़ने में इसकी पत्तियां और इसके फूल का यूज होता है। इसके अलावा चेहरे का जो ग्लो बढ़ाने के लिए भी इसका बहुत से लोग यूज करते हैं। यही एंटी एजिंग प्लांट होता है। इस पे बहुत सारी जानकारियां आपको जो है स्टडी करने पे मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स एक खूबसूरत होने के अलावा इस प्लांट में कई ढेर सारी मेडिसिन खूबियां भी हैं। ये डायबिटीज के रूप में भी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप इस इतनी सारी खूबियां होने के बाद आप इस प्लांट को अपने टेरिस में जरूर जगह देंगे, अपने गार्डन पे जरूर जगह देंगे इस प्लांट को। फ्रेंड्स जहाँ तक इसकी कटिंग ग्रो करने का तरीका है, हम आपको इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। आपको इसकी कटिंग अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप एक इस साइज की जो है मोटाई की एक कटिंग लीजिए और कटिंग कट लेने के बाद आप जो है आप देख रहे हैं इसमें जो ये छोट नीचे की जो है इनको कट कर लीजिए। जैसे हम इनको नीचे की कट कर लेते हैं, नीचे की जितने भी छोटी ब्रांच है उनको आप कट कर लीजिए और ऊपर जो है सिर्फ एक बड़ी ब्रांच आपको रखनी है। जैसे कि आपको दिख रहा है एक ब्रांच ये दिख रही है, इसको रखना है। इसके अलावा आप इसको जो है कट कर दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। ये आपको ऐसी ब्रांच लेनी है और नीचे से जो है नीचे की अभी जैसे ये ब्रांच ऐसी ब्रांचों को जो है हटा देना है। तो हम इनको जो है हटा देते हैं। ये आपको ऐसी ब्रांच लेनी है इस साइज की। कटिंग लेने के बाद आपको जो है इसको जो है एलोवेरा के पत्ती का एक जेल जो है ले लेना है। आपको उसमें इसको जो है हल्का सा जो है इसका जेल जो है आपको नीचे कटिंग में लगा लेना है। कटिंग में लगाने के बाद इसको जैसे हमने जैसे लगा लिया, अब इसको जो है किसी एक ऐसे पॉट में लगाना है जिसमें कि मॉइस्चर काफ़ी हो। आप जो है कोकोपीट वाले सॉइल मिक्स में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा और तुरंत इसकी कटिंग ग्रो होगी। अगर आप ज़मीन पे लगाना चाहते हैं तो आप इसे हम तो इसे ज़मीन पे लगाने जा रहे हैं तो ज़मीन पे भी लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये ग्रो हो जाता है। हम जैसे कि हमारी यहाँ पे हमेशा जो है नमी रहती है और यहाँ पे जो है थोड़ा से कोकोपीट का जो है मिक्स भी है तो ये बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है, बहुत ही आसानी से हमारी देखिए सारी कटिंग ग्रो हुई है। तो हम यहीं पर इस कटिंग को जो है लगा देंगे। हमने जैसे कि ये यहाँ पे हमने लगा दिया इसको, ये हमने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया। फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी आप कटिंग। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं हमने इसको कटिंग से ग्रो किया, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल जो है हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे अगला वीडियो कोई भी मिस ना होने पाए। आप हमसे कनेक्ट रहें इसलिए आप हमारा जो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस प्लांट के से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फिर मिलते हैं किसी नए प्लांट के साथ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, अपना ख्याल रखें।